मैं जब दोबारा इंटरव्यू दे रहा था तो एक वहां पे और महाशय थे, एक साइकोलॉजिस्ट होता है इंटरव्यू में, आईएएस के साइकोलॉजिस्ट होता है, वो कुछ ज्यादा करता नहीं, आपको देखता रहता है क्या कर रहा है इसका। तो सवाल पूछते पूछते पानी के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर, हॉबीज के ऊपर, उन्होंने पूछा कि मिस्टर रावत व्हाट इज जीरो। तो मैंने कहा सर इन व्हाट सेंस, मतलब जीरो पूछ रहे हैं तो क्या है, किस तात्पर्य क्या है जीरो का, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट फिलॉसफी था, फिलॉसफी में जीरो की एक फिलॉसफी होती है, तो मुझे लगा हो सकता है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। कहते हैं नहीं, कहते हैं आप में ये बताइए कि हम जीरो से क्या सीख सकते हैं। तो मैंने कहा सर हम जीरो से ये सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जीरो को किसी नंबर के आगे लगा दो तो उसका 10 गुना हो जाता है, 1 10 बन जाता है, 2 20 बन जाता है, 3 30 बन जाता है। इज दैट वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या हम जीरो से सीख सकते हैं? आई टोल्ड हिम सर जीरो से हम सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि जीरो किसी को जोड़ दो तो वही नंबर रहता है, जीरो से कुछ घटा दो, एक से तो जीरो किसी घटा दो तो भी वही नंबर रहता है, तो आप तटस्थ रहना सीख सकते हैं, यू कैन बी न्यूट्रल। वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा और क्या सीख सकते हैं? मैंने कहा सर और हम ये भी सीख सकते हैं कि जीरो का मतलब है कुछ नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें इसके नीचे तो कम से कम नहीं गिरना है, इसके तो ऊपर ही रहना है। अब ये बताइए कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या खुद तैयारी करते हुए क्या आपको कोई ये पढ़ाएगा कि आपसे सवाल पूछा जाएगा इस एग्जाम में? कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ना आपको कोई सिखाएगा, वहीं पे पूछा, वहीं पे आपने जवाब दिया। जिंदगी भी ऐसी होती है, इट विल थ्रो सच सरप्राइजेस एट यू दैट टेक्स्ट बुक्स विल नॉट हेल्प यू। दैट इज द रीजन आई वैल्यू दीज परफॉर्मेंसेज सो मच। लाइफ में जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो इससे ही मिलती है, एक्सपोजर से मिलती है। मुझे इतना बोलने का शौक है, यूथ से बोलने का इसीलिए शौक है कि मैं आपकी एनर्जी अपनी तरफ ले लेता हूं। एंड वी आर एन इमेंसली यंग नेशन, वी आर द यंग